एक्सक्यूज मी, आप सपना है ना? जी। और आप? आपसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया, माँ घर में है, आप अंदर जाइए। प्लीज वन मिनट, मेरा नाम संध्या है। अच्छा, मैं हैदराबाद से आई हूँ। ओह, मैं वासु की दोस्त हूँ। अंदर चलिए। फिर आपका कॉलेज? छुट्टी। हेलो बनी साहब। आओ वासु। अरे भाई, अपनी शादी पे तुम भी कुछ काम करो, इन कार्ड्स पर एड्रेस ही लिख दो। संध्या नहीं है? वो शहर से बाहर गई है, अपनी सहेलियों को शादी का इनविटेशन देने। क्यों, वो लोग सिर्फ कार्ड पे नहीं आ सकते क्या? वही आजकल ऐसा ही होता है। आइए। ये सब किसने लिखा है? मैंने, माँ का हुक्म था मैं वासु का नाम भी जबान पे न लाऊं। उस हुक्म का ये जवाब है मेरा। हमारे प्यार के रास्ते में माँ ही सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ, वासु मुझे बता चुका है। ओह, वासु ने आपको सब कुछ बता दिया है? वो ना बताता तो मुझे कैसे मालूम होता? हम जब भी मिलते हैं सिर्फ आपकी बात होती है। आप दोनों इतने करीब हो गए हैं? हाँ, इतने करीब कि एक दूसरे को छूते भी हैं? यस, हम जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मेरा वासु कैसा है? ये अब तक 30 बार पूछ चुकी हैं आप। किन्हीं नहीं, प्लीज, मैं लाखों बार पूछूंगी। वासु कैसा है? ऐसा पूछने से हमारा एग्रीमेंट तो नहीं टूटेगा ना? आदमी बुरा नहीं है बेचारा, लेकिन है बिल्कुल सिंपलटन। लखनऊ से साहब बहादुर उम्मीद लेकर आए हैं कि मैं उनसे शादी करूं। एग्रीमेंट फेल हुआ तो? ये एग्रीमेंट कभी फेल नहीं होगा। अच्छी, उन्हें देखिए, वो वासु की माँ है? नहीं, मेरी सास। सपना, मैं आज के फ्लाइट से जा रही हूँ। इतनी जल्दी? जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया। कौन सा काम? सच बताऊं? जरूर। मैं अपनी शादी के बारे में फैसला करने आई थी। अच्छा, तो क्या फैसला किया आपने? अरे, ये तो कॉफी है, मैंने चाय ऑर्डर की थी। ओह, शायद मेरा कॉफी का प्याला आपके पास चला गया। थैंक यू। थैंक गॉड, मैंने आपका प्याला छूटा नहीं किया। हेलो। हेलो, कब वापस आई? सवेरे। मुझे बोल के भी नहीं गई थी। हेलो, हेलो, टिकट मिल गया? भेज दिया? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। संध्या, तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है? नहीं तो, लेकिन तुमने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? प्लेन का टिकट है मेम साहब, वो ट्रैवल एजेंट ला के दिया। अच्छा, अब्दुल्ला, आज तारीख क्या है? 18 दिसंबर। और साल? मेम साहब बोलो। 1979। 18 दिसंबर 1979 ना? अब तुम जा सकते हो। देखो, ये क्या है? शादी के कार्ड है मेम साहब, डाक में डालने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं,
जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी खामोशी मुझे पागल बना रही है। Damn it! अच्छा तो तुम गोवा गई थी। अच्छा सपना से मुलाकात हुई? हाँ हुई। ओ इसीलिए नई शोखी, ये नया अंदाज। ओके सपना ने क्या बताया? सपना ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे प्रेम के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां तुम दोनों बाहों में बाहें डालकर घूमते थे, उन दिनों की बातें भी बताई जो तुम दोनों के लिए आते बहुत देर से थे और जाते बहुत जल्दी थे, और तुम्हारा वो लंबा चौड़ा लव एग्रीमेंट, उसकी बड़ी बड़ी तमाम शर्तें। सपना ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा उसने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने ये नहीं बताया तुम्हें कि अग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही वो किसी पैसे वाले बास्टर्ड से शादी कर रही है? वासु, मुझे कल जैसा अधिकार होता तो ऐसी नीच बात कहने पर मैं तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार देती। तुम्हें कोई भी ऐरा गैरा मिला, उसने कुछ भी कहा, तुमने मान लिया? जिस आदमी को तुम मैंगलोर में मिले थे वो सपना को चाहता है, लेकिन सपना उसे नहीं चाहती। Well, that makes no difference. That makes all the difference. जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है, जैसे कि तुम में और सपना में है। सपना तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, वो ये एक मिनट भी तुम्हें नहीं भूली। वो बिचारी तो तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही है, एक एक क्षण गिन रही है। तुम इतना ही बता दो, तुम्हारा एग्रीमेंट कब खत्म होता है? तुम्हारी दोबारा मिलने की तारीख कौन सी है? बोलो। दिसंबर 1979। यानी कि कल। और उस कल की राह देखते देखते उसकी आंखों में नासूर हो गए हैं। तुमने कितनी आसानी से भुला दिया उसे और चल पड़े मुझसे शादी करने। सुना है एक बार सपना के कहने पर तुम नदी में कूद गए थे इसलिए कि उसे मझधार में छोड़ने के लिए। संध्या, संध्या तुम जानती हो जब मुझे आवेश आता है तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोच सकता, यही मेरी कमजोरी है। लेकिन इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही मेरे आवेश ने इस तरह कभी मुझे धोखा दिया था। उस दिन मैंगलोर में मैंने जो सुना वो सच है या नहीं है सपने से सीधा जानने का तरीका भी नहीं था मेरे पास। जानने की जरूरत भी क्या थी? क्या तुम एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने तक नहीं रुक सके? यही प्रेम है तुम्हारा? तुम्हारा मन इतनी छोटी बातों से हिल जाता है तो ना तुम्हें प्रेम करने का अधिकार है ना प्रेम मांगने का। संध्या तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? वो भी मुझे बताना होगा। ये लो गोवा का टिकट, तुम अभी चले जाओ। इतना कुछ हो जाने के बाद शुक्र है वो होने से पहले ये हो गया, इसीलिए मैंने शादी के कार्ड रोक दिए थे। संध्या अब तुम मैं ही रहूंगी। मेरी तन्हाइयां पहले भी मेरा साथ थी, अब भी मेरे साथ रहेंगी। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सच्चा प्यार जीत जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन तुम जैसी देवी को इस तरह छोड़ के जाऊं तो क्या
सपना मुझे माफ करेगी? सपना, सपना को ये सब मालूम हो तो ना। तुमने सपना को कुछ नहीं बताया? संध्या, तुम आन के आन में इतनी ऊंची हो गई हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख सकता। अच्छा, बनी साहब कहाँ है? मेरे बारे में भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन संध्या, मैं कैसे? नहीं, मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, ये मैं खुद कह रही हूँ। जाओ वसु, तुम्हारा प्लेन का वक्त हो गया है। याद रखना, आज तुम जा नहीं पाए तो तुम सपना से कभी नहीं मिल सकोगी। सपना तो बस सपना ही हो जाएगी। जाओ। संध्या, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं सपना से शायद अब भी नहीं मिल सकूंगा। इतना तो बता दो, तुम्हारे आने से पहले उसने कुछ कहा था? आने से पहले उसने पहले मुझे यहाँ चुमा, वो मेरे लिए था, फिर यहाँ, ये तुम्हारे लिए था।